नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दूसरे राज्य से इंटरव्यू देने आए छात्रों को विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने रोका। बोकारो में आपको बताते चले कि पिछले कई वर्षों से नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ व कई विस्थापित लगता धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। कितनी बार इन लोगों ने भूख हड़ताल भी किया, पर नतीजा ये हुआ कि कई एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर वार्ता के लिए बीएसएन के द्वारा समय ले लिया जाता रहा है, पर आज तक इन विस्थापितों की समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। इसी क्रम में एक और विस्थापित युवा अपनी हक को लेकर बीएसएन के एडीएम बिल्डिंग के समक्ष मेन रोड पर कल से ही धरने पर बैठ गए हैं। वहीं दूसरी ओर बीएसएल के द्वारा दूसरे राज्यों से आए युवाओं का इंटरव्यू एसआरयू में लिया जा रहा था, जहां सैकड़ों में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बेरोजगार युवा पहुंच गए और इसका विरोध करने लगे। इनका कहना था कि बीएसएल द्वारा जब हमें प्रशिक्षण दिया गया है, हमारी जमीन भी हमारे बाप दादाओं ने बीएसएल को दिया है, फिर भी हमारे हक से वंचित कर दूसरे लोगों इंटरव्यू लेकर नियोजन देने की प्रक्रिया गलत है, जो हम लोग कभी सफल नहीं होने देंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि बीएसएल प्रबंधन इन विस्थापितों की बातों को नहीं मान रही है और ये लोग बार बार धरना देने को मजबूर हो जाते हैं। ना तो इनकी समस्या बीजेपी सरकार को हो रही है और ना ही वर्तमान समय से जेएमएम सरकार को। ये एक विचारणीय विषय और अनसुलझा सवाल बनकर रह गया है। बोकारो का विस्थापित। बोकारो से शेखर की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।